सांसद रामस्वरूप शर्मा जो कि मंडी लोकसभा के सांसद हैं, उनका वापस हिमाचल आना कॉन्ट्रोवर्सीज में घिरता दिख रहा है। 11 अप्रैल के दिन वो दिल्ली से मंडी आए, अपने उनका जो घर है जोगिंदर नगर में, वहाँ पहुँचे और एक कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हुई। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे पिछले लोकसभा चुनावों में आश्रय शर्मा, उन्होंने सवाल दागते हुए कहा है कि जब आम लोगों को क्वारंटीन में 14 दिन के क्वारंटीन में रहना पड़ता है जब वो बाहर से आते हैं, तो सांसद रामस्वरूप शर्मा पर ये रूल जो है अप्लाई क्यों नहीं किया गया, और इन दिनों जब बहुत ज़्यादा सख्ती है बाहर से आने वाले लोगों पर, वो इतनी आसानी से मंडी में कैसे एंट्री पा गए। वहीं इस बात पर पलटवार करते हुए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा है कि वे जब से मंडी आए हैं वे तब से अपने पार्टी के कार्यालय में हैं और वे खुद को क्वारंटीन में रखे हुए हैं, वो किसी से मिल नहीं रहे हैं। आइए आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। लॉकडाउन और कर्फ्यू के बीच सांसद रामस्वरूप शर्मा के दिल्ली से जोगिंदरनगर आने पर कांग्रेस नेता आश्रय शर्मा ने सवाल उठाए हैं। आश्रय शर्मा का कहना है कि सांसद महोदय ने सत्ता का दुरुपयोग करके हिमाचल में प्रवेश किया है। आश्रय शर्मा का कहना है कि अगर सांसद महोदय अनुमति के साथ आए तो फिर प्रदेश की सीमाओं पर क्वारंटाइन क्यों नहीं हुए, जबकि सभी के लिए सरकार ने यही नियम बना रखा है। एक तरफ जहां आम आदमी केंद्र और राज्य सरकारों के फैसले की पालन करते हुए वहीं पर रह रहे हैं, तो फिर सांसद महोदय को वापस जोगिंदरनगर आने की ऐसी कौन सी जल्दी आन पड़ी कि वह लॉकडाउन के बीच दिल्ली से यहां पहुंच गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली इस वक्त कोरोना के लिहाज से देश का तीसरा सबसे खतरनाक शहर है, ऐसे में सांसद को वहां से जोखिम उठाकर मंडी आने की जरूरत क्या थी। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे क्या जरूरत पड़ी थी सांसद महोदय को, जब आज सांसद निधि भी बंद हो चुकी है, विधायक निधि भी बंद हो चुकी है, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि इतना बड़ा जोखिम उठाया जाए कि दिल्ली से, जो तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस दिल्ली शहर के अंदर हैं, तो यहां से निकलकर जो है प्रदेश की सीमाएं लांघी जाए और औरों की जान जो है खतरे में डाली जाए। आज आप जानते हैं कि कई हमारे जितने लोग हैं वो फंसे हुए हैं, एक जिले से दूसरे जिले जाने की अनुमति नहीं है, कई ऐसे लोग हैं जो दो दो किलोमीटर का सफर नहीं तय कर पा रहे हैं। जब प्रदेश के प्रत्येक नागरिक जिम्मेवारी समझ रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि जो व्यक्ति जहां पे है वो वहीं पे बना रहे, तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी सांसद महोदय को कि इतना बड़ा जोखिम उठा सके। तो देश में दो कानून नहीं हो सकता, प्रदेश में दो कानून नहीं हो सकता, जो कानून सबके लिए है, बनाया है, वो लागू करना पड़ेगा, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो या छोटे से छोटा आदमी हो। कि सरकार को और प्रशासन को इसके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्ती से कदम उठानी चाहिए सांसद महोदय के खिलाफ। वहीं सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया है। सांसद रामस्वरूप शर्मा का कहना है कि वह दिल्ली से अनुमति के साथ अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं क्योंकि वह यहां के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और इस स्थिति में उनका यहां होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि जोगिंदरनगर पहुंचते ही वह पार्टी कार्यालय के एक कमरे में क्वारंटाइन हो गई हैं और किसी से नहीं मिल रहे हैं। 10 अप्रैल को वह दिल्ली से जोगिंदरनगर पहुंचे थे और तब से किसी से नहीं मिले क्योंकि वह नियमों का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। लेकिन ये कांग्रेस के लोग, ये तथाकथित नेतागण जो सोशल मीडिया में, जो प्रेस के माध्यम से, जो अफरा दफरी भारत में हिमाचल में फैलाना चाहते हैं, उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं। आज जनता जान चुकी है कि इन लोगों का एक ही काम है कि सरकार की आलोचना करो। सरकार अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उसका सबूत मांगे जाते हैं। अगर सरकार चाइना बॉर्डर पर युद्ध की स्थिति बनती है तो उनके बड़े नेता राहुल गांधी चाइना के राजदूत में नाश्ता करते हैं। ये वही नेता हैं जो आज प्रश्न उठा रहे हैं और एक सांसद के नाते मेरा परम दायित्व बनता है कि मैं जनता के बीच रहूं, उनके बीच जीऊं, उन्हीं के बीच मरूं। ये मेरा सिद्धांतिक अधिकार है, इसको कोई नहीं छीन सकता। और मैं सारी औपचारिकता पूर्ण करने के बाद ही हिमाचल आया हूं, मंडी पार्लियामेंट में आया हूं, जोगिंदरनगर में आया हूं। बता दें कि आश्रय शर्मा और रामस्वरूप शर्मा के बीच 2019 के लोकसभा चुनावों में मुकाबला हुआ था जिसमें आश्रय शर्मा को करारी हार और रामस्वरूप शर्मा को ऐतिहासिक जीत मिली थी।
चुनाव के बाद से दोनों नेताओं के बीच ऐसी जुबानी जंग शुरू हुई जो अभी तक जारी है। ऑल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।